हरदोई में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जहां पुलिस तैयार है, वहीं अवैध हथियार सप्लायर भी अपने धंधे को बढ़ाने में लग गए हैं। ऐसे ही अवैध हथियार फैक्ट्री का संचालन करते पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 12 बने हुए असलहे और भारी मात्रा में कारतूस खोखा भी बरामद किए हैं। शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एएसपी पश्चिमी त्रिगुण विशेष ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस को मुस्तैद किया गया है। ऐसे में शाहबाद के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ओझा को मुखबिर से जानकारी लगी कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के गुरहा गांव में राजीव दीक्षित के मकान के पास दीवाल के पीछे ओट लेकर एक शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। एएसपी ने बताया कि इसकी सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और दो लोगों को अवैध हथियार बनाते गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा इस समय अभियान चलाया जा रहा है अवैध शस्त्र की बरामदगी के संबंध में। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब थाना शाहबाद क्षेत्र में सुरेंद्र और उनके पुत्र चंद्रकांत दो लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे जो है 12 तमंचे, दो उसके अलावा शस्त्र बनाने के उपकरण, जिंदा कारतूस तथा 10 खोखे, जो 315 बोर के 5 खोखे तथा 12 बोर के 5 खोखे इनके पास से बरामद हुए हैं। था ये लोग पहले से ये काम कर रहे थे, इसकी सूचना थी पुलिस को, तो काफी दिन से इनके पीछे जो है हम लोग लगे हुए थे। आज जो है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।